आइए अब हम आपको ले चलते हैं सीरियल ये उन दिनों की बात है के सेट पर, जहां नैना के फ्रेंड समीर का बर्थडे है। इसीलिए नैना की फ्रेंड नैना के घर पहुंच गई है और नैना के घर वालों को कन्विंस कर रही है कि वो समीर के बर्थडे पार्टी में नैना को जाने दे। तो आइए देखते हैं कि क्या नैना को मिलती है बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन। कभी वो समीर को पढ़ाती हो, कभी सुमन को पढ़ाती हो, अपनी पढ़ाई भी करोगी? अरे राकेश भाई साहब, ये क्या बात हुई? ये तो ऐसी बात हुई कि अगर वो लड़का स्कूल में पढ़ता तो नया स्कूल में नहीं जाएगी। अगर वो लड़का हमारी कॉलेज रहने आ जाए तो हमें वो कॉलेज छोड़ देंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। बस आप मुझ पर ही लॉजिक की तीर चलाइए, ये सही है। अरे खाओ यार बस। अरे भाई साहब, भाई साहब, पार्टी में लड़के भी आएंगे? नहीं नहीं दाई जी, सुमन तो ब्राह्मण है ना, अच्छे घर की लड़की है, संस्कारी लड़की है, पार्टी में लड़के नहीं आएंगे। अच्छा बा, कितने बजे जाओगे तुम लोग? 1 बजे। और आओगे कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे? लो देख लो और भेजो। अच्छा कितने लोग होंगे पार्टी में? अरे बस भी करो, तुम तो ऐसे पूछ रहे तो पुलिस वाली, बस बर्थडे पार्टी में तो जा रही है वो। अरे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जमाने पे तो भरोसा नहीं है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। लेना मैं ठीक 1 बजे लेके आ जाऊँ, तैयार है? ठीक है ओके। तो स्वाति जी ये बताइए, काफी कन्विंसिंग मोड चल रहा है फैमिली को पटाने के लिए, मनाने के लिए, मतलब एग्जैक्टली है क्या? एक्चुअली नैना की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए मैं उसकी फैमिली को कन्विंस कर रही हूँ, एक ऐसे मतलब उनको कन्विंस कर रही हूँ कि नैना को प्लीज़ बर्थडे पार्टी में आने दीजिए, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। तो ऐसे ही मैं उनको कन्विंस करती हूँ बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट फैमिली। अगर वो नहीं आएगी तो उसके दोस्त का बर्थडे अच्छे से नहीं जाएगा, बस इसीलिए मैं उनको कन्विंस कर रही हूँ। अच्छा ये नई दोस्त आई कहाँ से? सुमन, जब तक हमें पता ये सुमन नाम की लड़की तो है नहीं। है नहीं, बट आप देखिए आगे पता चल जाएगा। अच्छा मतलब हमें इसके पिछले एपिसोड में पता चला था कि समीर का बर्थडे आ रहा है। हाँ तो दैट्स द ट्विस्ट, तो आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू फॉरवर्ड? नो, प्लीज वॉच आवर शो एंड वी लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।